हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीको सी स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट वे टू रिमेम्बर द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल वे में हम रिमेम्बर करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिंपल बोलूँ, हमने सिंपली पढ़ा था कि दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो कि हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है और एक होती है ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन आप समझ रहे होंगे जो कि आपका रॉ मटेरियल लेके आती है और उससे कुछ प्रोडक्ट बनाती है, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद थ्री टाइप्स ऑफ स्टॉक। तो इसके पास तीन तरह के स्टॉक होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल लेके आए और फिर उसको मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, और बीच में कुछ प्रोसेस में रह जाते हैं तो उनको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो रॉ मटेरियल विच वर वेटिंग टू बी वर्कड, मतलब वर्कड ऑन, मतलब जिन पे हमें काम करना है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, विच आर बींग वर्कड ऑन, मतलब जिन पे काम चल रहा है। और फिनिश गुड्स क्या होता है, विच आर रेडी फॉर शिपिंग। तो भैया इसका फॉर्मेट से क्या रिलेशन है, मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके, इन मतलब आगे हम पढ़ेंगे, इसे डील करेंगे। तो सिंपल आप ये याद रखिए, आपको दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग क्या करती है, तो आपको पहले मैन्युफैक्चरिंग का समझ आ गया। मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, उसको या तो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट कर देगी या फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है, वो उसको बेच देती है, सेल कर देती है, सेल आउट कर देती है। ट्रेडिंग डील करती है, ट्रेडिंग बिजनेस डील करता है विद स्टॉक इन ट्रेड, मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट परचेज किया, मार्केट से परचेज किया और उसको बेचा। परचेज करने के बाद सीधा क्या करा, बेचा, परचेज करा मार्केट से और उसको बेच दिया। तो इनका पर्पज यही होता है कि माल खरीदो, स्टॉक को खरीदो और उसको बेच दो। तो हमने यहाँ पे समझा कि हमारे पास दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एक तो, और आपकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग क्या करती है, सिंपल अपना स्टॉक जो उसके पास होता है उसको परचेस करती है, सबसे पहले परचेस करेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड क्यों बोला गया, सिंपल वो स्टॉक जो कि हम ट्रेड पर्पस के ला रहे हैं, मतलब कि हमने खरीदा और बेचा, ये होते हैं ट्रेड करना। तो खरीदना बेचना क्या कहलाता है, ट्रेड। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब आपको समझ आ गया, वो स्टॉक जो कि हम सीधा ट्रेड पर्पस के ला रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, रॉ मटेरियल का स्टॉक खरीदती है, उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, बीच में जो बच जाता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो मैन्युफैक्चरिंग में तीन तरह के स्टॉक होते हैं, क्लियर आपको। रॉ मटेरियल खरीदती है, वो कुछ बच गया तो वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर फिनिश गुड्स। मैं इसके रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप एग्जांपल लो, आप समोसा शॉप पे खड़े हैं और वहां पे आप देख रहे हैं कि एक प्रोसेस चल रहा है समोसा बनाने का। तो समोसा खाते वक्त आपने देखा कि एक प्रोसेस चल रहा है समोसा बनाने का। सबसे पहले आपने देखा कि वहां पे कुछ कट्टे पड़े हैं आलू के, और क्या है, थोड़ा सा आटा पड़ा है, जो भी मैदा वगैरह वो यूज़ करते हैं समोसा बनाने के लिए, ठीक है। और सब्जी वगैरह जैसे मटर वगैरह डाल दिया, या फिर उन्होंने स्पाइसी करने के लिए मिर्ची वगैरह डाल दी। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हो कि ये सब उनका रॉ मटेरियल है। फिर आपने देखा कि उन्होंने मतलब तले नहीं है, थोड़ा सा मतलब उनको पैक करके आलू थोड़े से भर के उसमें रख दिया, तो वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया। फिर उसके बाद आपने देखा उन्होंने तेल में डाला और उसे तला, अच्छे से बनाया, तो वो आपका फिनिश गुड्स कहलाएगा, तो जो कि रेडी टू कंज्यूम है। फिनिश गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू कंज्यूम होते हैं, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस रेडी टू कंज्यूम नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। तो समझ आ गया होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग क्या होती है और क्या अंतर होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजप्शन। तो हम इसमें सबसे पहले एक्सपेंडिचर साइड आ जाएगा आपका, अगर मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हो तो आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल कंजप्शन लिख दोगे। फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप क्या करोगे, परचेज करोगे, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आ जाएगा आपके लिए। तो आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजप्शन, फिर परचेज करते हो तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन उसको कंज्यूम करने के बाद हमने क्या बनाया होगा, फिनिश गुड्स। तो हम तीन चीज़ों में चेंज देखेंगे, तीन चीज़ों में चेंज, कौन कौन सी तीन चीज़ें, देखो चेंज थ्री तीन चीज़ों का देखेंगे। तीन चीज़ों का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस का, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस बना था रॉ मटेरियल से और फिनिश गुड्स बना था, एक तो उन दोनों का चेंज देखेंगे, और देखेंगे स्टॉक इन ट्रेड का चेंज, और किसका चेंज देखेंगे, स्टॉक इन ट्रेड का। फिर कुछ खर्चे हम करते हैं एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, जिसे बोलते हैं हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। फिर कुछ खर्चे हम करते हैं टेंजिबल एसेट्स पे करते हैं, मतलब टेंजिबल एसेट्स पे करते हैं जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस कराते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पे करते हैं हम खर्चे, तो उसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर। तो ये भी हमारे एक्सपेंस साइड आता है,
पीएल के एक्सपेंस साइड। फिर आता है आपका कुछ खर्चे हम मतलब पैसों को लेने में करते हैं, मतलब कि सिंपल से बात बोलो फाइनेंस कॉस्ट, मतलब कि अगर हम पैसा उठाते हैं मार्केट से तो हमें कुछ खर्चा लगता है, जैसे कि हम एग्जांपल वो डिवेंचर इशू करते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होगी, या लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी होगी उसे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। फिर बाकी जो बचे खर्चे वो कहाँ जाएंगे सर? वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे भैया? वो अदर एक्सपेंसेस में जाएंगे, क्लियर है? अदर एक्सपेंसेस में। अब आपने एक्सपेंस साइड तो क्लियर कर दिया हमें, क्या क्या एक्सपेंस साइड होता है और कैसे कैसे डील करना है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हो तो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम करोगे, आप ट्रेडिंग हो तो आप परचेज कर लोगे स्टॉक एंड ट्रेड, और तीन चीज़ों का चेंज देख लेंगे, तीन चीज़ों का चेंज, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड। फिर हम कुछ एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाने के लिए खर्चे करते हैं, जिसे बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। कुछ टेंजेबल एसेट्स पे खर्चे करते हैं, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल पे खर्चे करते हैं तो डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन कराया जाएगा। कुछ पैसा लेने में खर्चे करते हैं, जिसे बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, और बाकी जो बचे खर्चे हैं वो आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अब इनकम साइड भी डील कर देते हैं। इनकम साइड में सिंपल है आपका, इनकम साइड में सबसे पहले आपको इनकम कैसे होगी, बिजनेस में आपको इनकम होगी। देखो आपने मटेरियल परचेज तो कर लिया या फिर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तो बना लिया, लेकिन उसको जब तक सेल नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं होगी। सबसे मोटी इनकम होती है सेल करने से। देखो मोटी इनकम सबसे क्या है? सेल। तो सेल आ गई सबसे पहले आपकी इनकम में, जिसे हम अब नाम दे दिया इन्होंने रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को क्या बोलते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और बाकी जो बचे इनकम है, जैसे कि मान लो मेरी लॉटरी निकल गई, या फिर मेरे को पड़े हुए पैसे मिल गए रोड पे, या फिर मेरे को कुछ भी मतलब बिजनेस के अलावा, जैसे मान लो मैंने कि अपना फिक्स एसेट बेच दिया, तो उससे रिलेटेड इनकम कहाँ जाएंगी? आपकी अदर इनकम्स में जाएंगी। तो बाकी सारे खर्चे आपके अदर इनकम्स में आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ, फॉर्म में दे रखा है आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। सबसे पहले नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा, फिर फॉर द ईयर एंडेड मतलब कौन सी ईयर्स के लिए आप बता दें। फिर उसके बाद सबसे पहले आप इनकम लिखते हैं, दो तरह की इनकम होती है। सबसे पहले आप सेल लिख देंगे, उसके बाद आप लिख देंगे अदर इनकम्स, अदर इनकम्स, अदर इनकम। फिर उसके बाद आपके कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, सिंपल है, मैंने बताया आपको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर चेंज इन इन्वेंट्री की, तीन चीज़ों की इन्वेंट्री में चेंज आता है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। फिर एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट देते हैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हो जाते हैं। फिर पैसा लेने के लिए कुछ खर्चे करते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट आ जाती है। डेप्रिसिएशन हमारे टेंजिबल एसेट्स में लगता है, तो एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस हमारा इनटेंजिबल में होते हैं। फिर कुछ अदर खर्चे आते हैं, अदर एक्सपेंसेस, तो वो इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे टोटल हो जाएगा हमारा, पहले तो सबसे पहले टोटल कर लेंगे इनकम साइड का, जो कि मैं इसे बोल देता हूँ ए। फिर हमारा एक्सपेंसेस साइड का टोटल कर लेंगे, जिसे मैं बोल देता हूँ बी। फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, जो कि हम कैसे निकालते हैं, ए में से बी माइनस कर लेते हैं, जो भी हमारी टोटल इनकम्स है उसमें से माइनस कर लेंगे सारे के सारे खर्चे। फिर हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इन्होंने बोल दिया प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, तो आप सिंपल समझ लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप टैक्सेस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मेट था आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, बाकी आप सिंपली ये बना सकते हैं। इन्होंने बस एड ऑन कर दिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सपेक्शनल आइटम्स, तो ये सब चीज़ें माइनस ही होनी है या ऐड होनी है तो ऐड कर देंगे आप। सिंपल है, ईजी है। यहाँ तक बच्चे फॉर्मेट याद नहीं कर पाते, तो मैंने ये याद कराने का तरीका बता दिया आपको। दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग याद रखनी है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन याद रखनी है, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच, होप सो आपको बढ़िया लगी होगी वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड टेल द कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन सी वीडियोस पे मतलब टॉपिक्स पे वीडियोस बननी चाहिए। जो टॉपिक आप बोलोगे उससे रिलेटेड हम स्पेसिफिक वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।